प्लीज जल्दी आइए, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए, आइए। रेनंसिमिएंटो, रेनंसिमिएंटो, रेनंसिमिएंटो। ठीक है। रेनंसिमिएंटो, रेनंसिमिएंटो। आप कहना क्या चाहते हैं? रेनंसिमिएंटो, रेनंसिमिएंटो। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। ये बस यही कह रहे हैं, मतलब है रीबर्थ। रेनंसिमिएंटो, 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 रेनंसिमिएंटो। किसका पुनर्जन्म? रेनंसिमिएंटो, रेनंसिमिएंटो। आपने कहा ये देख नहीं पाते? रेनंसिमिएंटो। हाँ, ये थे। वो लैंड कहाँ है आप मुझे बता सकती हैं? वो लैंड बस यहीं पर है, वो देखिए। सुनो, उस तरफ वो रहा, पर शायद हमें देर हो गई है। ओके ओके, यही है वो लैंड, यही है। ये जगह बदल रही है, गांव में सब दुखी है, लेकिन जैसा कहा जाता है कि वक्त बदलता है, एनी मिलने आ रही है। मुझे उम्मीद है हम घूमने जाएंगे, तुम्हें उस पर बहुत गर्व होगा, देखना बहुत गर्व। आज सुबह की हेडलाइंस। आसपास दंगे जारी हैं, देश प्रेसिडेंट के ड्राफ्ट बिल का अनुसरण कर रहा है, ऑपरेशन टर्मिनस के लिए 1,00,000 से ज्यादा शपथ ले रहे हैं, ईरान में हो रहे कब्जे की रशियन और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स ने चेतावनी जारी की है, यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ और प्रेसिडेंट चुप है। पिछले हफ्ते ब्रेसिस था और कल रिटेलिन। स्टॉक्स बेचना, यही मेरा गेम है। क्या तुम लोग आज कुछ काम करोगे? हाँ, क्यों नहीं, हम तो उसी के लिए बैठे हैं। hey, जेसी के ट्रांसएम को ट्रांसमिशन बदलने की जरूरत है, नया एग्जॉस्ट टायर, नाइट्रोजन और बहुत कुछ। ये बड़ा शॉट है। yeah. पार्ट्स ऑर्डर करने के लिए 3 दिन और 2 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। 22 सालों से मैं इस शहर को चलाने में मदद कर रहा हूँ। ये चीज ऐसे खत्म नहीं हो सकती नेड। क्या मजाक कर रहे हो? अगर मैंने अभी चैप्टर 7 फाइनल नहीं किया तो मुझे इसकी कीमत अगले 22 सालों तक चुकानी पड़ेगी। हम किसी हेल्प के लिए नहीं पूछेंगे, तुम जानते हो लड़के अपना काम करेंगे। नेड, हमें हमारी नौकरी चाहिए। डेविड, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मैं देखता हूं अगर रमोन के पास कोई एग्जॉस्ट हुआ तो ले लूंगा। जेसी का ट्रांसाम ठीक करेंगे तो शायद हमें और 2 दिन का टाइम मिल जाए। हाँ, जो करना है करो। उसमें कुछ तो है। हाँ, ये शर्म की बात है। तुम यहां के बॉस हो? अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम गलत जगह आए हो। तो नहीं, चलो यहां से। मैंने 3 साल फील्ड इंजीनियर की नौकरी की है 9th के साथ। हाँ, मुझे बस एक चांस चाहिए। हम सबको चाहिए। रिपोर्टर जनरल कोराजोन का अंदाजा है कि दुर्घटना की संभावना गिरेगी जब ड्राफ्ट रीएनफोर्समेंट की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है।
जैसा कि आप देख सकते हैं भगवान पापा निर्भर है अफगान ईरानियन सीमा। मैं शॉप बंद कर रही हूँ, आप घर जाइए। नो मेके रशियन संबंधित छापेमार बंदर की सेना पाकिस्तान से निकल गए हैं और हम पर छापा मारने के लिए तैयार। हमारे साथ बने रहिए, जैसे ही हमारे पास कोई नई खबर आती है आप भी जाइए मिस्टर चैम्बरलैन। ओह कम ऑन, एक लास्ट बस। जैसा कि आप देख सकते हैं कब्जा निर्भर है अफगान ईरानियन सीमा पर, राजनीतिक मजबूत पकड़ पर रशियन संबंधित छापेमार, गठबंधन की सेना हिंदू कुश पाकिस्तान से निकल गई है और ऐसी संभावना है कि उनका हमला कभी भी हो सकता है। राष्ट्रपति ने जनता से अनुरोध किया डबल US आर्मी अरब का निशाना कब से बन गई है और इन सब के लिए तोपों का चारा वहां मुझे भेजना चाहिए था। मैं उन लोगों को सिखाता कि लड़ते कैसे हैं, मैं सबको मारता, चाहे वो रशियन होता चाहे वो चाइनीज होता, इसीलिए तो हार रहे हैं। तुम उनके बारे में जानते ही क्या हो? तुम्हें जाना चाहिए था, बहुत पसंद करेंगे। ओके प्रिंसेस, चलो चले। अरे नहीं टाइसन, फिर से नहीं। ए, छोड़ो उसे, मैंने कहा छोड़ो। समझ में नहीं आता। क्या ये? इसका तो पैर ही नकली है, हैंडीकैप्ड है ये, इसे क्या मारना। छोड़ो इसे, चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। ये लो। सुनो, आ जाओ, आ भी जाओ। तुम्हें क्या लगा वहां क्या होगा? तुम कब से वहां थे? जानते हो प्रॉब्लम क्या है? तुम भी शहर के बाकी लोगों की तरह ही हो, जिस चीज के बारे में तुम कुछ नहीं जानते उसके बारे में राय रखते हो। जो चीज तुम्हारे पास है उसे खोने का डर है तुम्हें। और वो क्या चीज है? एक फ्यूचर। फ्यूचर? हाँ। मैं जानता था कि मैं लड़ाई में जीत नहीं सकता, इसलिए नहीं लड़ा। बेवकूफ। यहां रोक दो। Oh no.
शायद आप भूल गए। क्या हुआ? एक्सीडेंट, बहुत ज्यादा लगी शायद। तुम कब आई? दोपहर में, जैसे मैंने बताया था। मैं साफ कर देती हूँ। एक हफ्ते के लिए इतना लगेज? मैं यहाँ रहने आई हूँ। कब तक? तुमने छोड़ दिया? क्यों? मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। आपकी हालत देखकर तो। मगर क्या हुआ? उदास हो? बात क्या है? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ क्या? नहीं। अनबल, मैंने तुम्हें वहां छोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैं हर रोज उस दुकान में काम करता हूं ताकि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा बन सके। पर मैंने नहीं छोड़ा। आपकी लास्ट दो पेमेंट्स नहीं पहुंची। ओह नो, आई एम सॉरी। मुझे बस एक हफ्ता चाहिए। मैं कॉल करके सब ठीक कर दूंगा। भूल जाइए। नहीं, मैं संभाल लूंगा। नहीं, बस मुझे नहीं पसंद कि आप दोबारा इतनी मेहनत करें। फिर से नहीं। तुम्हें लगता है उसे यही चाहिए था? मुझे मत बताइए उन्हें क्या चाहिए था। हैप्पी बर्थडे। Thank you.
वो कल रात से घर नहीं आए हैं, वो फोन भी नहीं उठा रहे। शरफ प्लीज, कुछ तो गड़बड़ है। वो 24 घंटे। डैड, मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ, वो घर नहीं आए। ना ही मेरी बीवी, वो कैमरा लेकर गई थी, लड़के को कनाडा लेकर गई। उसे डर था कि लड़का दुबला ना हो जाए। तुमने डेविड को देखा? तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं, उनके जैसे लोग उम्मीद पर चलते हैं, लेकिन उम्मीद खा नहीं सकते। सुनो, हमें तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, तुम्हारी मां के लिए अफसोस है। वो वाकई बहुत अच्छी थी। Annabelle, मैं कठोर नहीं बनना चाहती, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए था। तुम्हारी माँ का सेंट ल्यूक्स में किडनी ट्रांसफॉर्म हुआ था, तुम्हारे पापा डोनर्स के लिस्ट में थे। उनकी बॉडी ने ट्रांसप्लांट रिजेक्ट कर दिया। देखो, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोई गलती ज़रूर हुई है। एक्सरेज, तुम्हारे पापा की दोनों किडनियां बखूबी काम कर रही हैं।
खाना क्यों नहीं खा रही हो? हॉस्पिटल में आप उन्हें बुलाते रहे, उनसे बात कर रहे थे जैसे वो वहीं हैं। मैं जानती हूं ये मुश्किल है, पर अगर हम दोनों इस पर काम करेंगे तभी बाहर निकल पाएंगे। ठीक है? या कमांडर जनरल का अगला कदम बहुत ही रहस्यमय है, लेकिन अफवाह है कि ग्राउंड फोर्सेस आने वाले दिनों में तेहरान का बॉर्डर पार करेंगे। वायु मार्ग पहले ही तेज कर दिए गए हैं और हमारे पास उन स्पेशल फोर्स ट्रूप्स की खबर है कि कई नाजुक स्थानों में घुसपैठ की गई है, आक्रामक ग्राउंड अटैक्स का रास्ता बनाते हुए। यूएस के पहले ड्राफ्ट ट्रूप्स अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पहुंच गए हैं। रशियन, चाइनीज और फ्रेंच नेताओं की कठोर चेतावनी के बाद डेविड, जेन, आई मिस यू। जानती हूँ। मुझे हो क्या रहा है? याद है जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? तुमने कहा था तुम बच्चे को इस जगह नहीं लाना चाहते, लेकिन जब तक हम दोनों साथ हैं एक उम्मीद हमेशा बनी रहेगी। तुम्हें उसे क्रिएट करना होगा। एनी के पास ज्यादा वक्त नहीं है। एनी, प्रेसिडेंट ने यूएस को दिलासा दिया है कि ईरान का निरस्त्रीकरण आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षा की भावना दिलाएगा, लेकिन हमारी जो समस्या है पूरे तरह से पूरे प्रांत के लिए अस्थिर है। हमने हजारों परिवारों को रेफ्यूजी कैंप्स में भेजा है। ये परिवार अतिप्रजन की वजह से अकाल का सामना कर रहे हैं। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि आखिर ये रक्तपात कब खत्म होगा? हम कब तक इन समस्याओं से जूझते रहेंगे और ये समस्याएं आखिर कब खत्म होंगी? मुझे नहीं लगा था तुम इतनी दूर आओगे। युद्ध के बीच आप अभी स्पेस रॉक की तलाश में हैं। जरूर आपको यह समझ में आ गया होगा कि हम लोग वहां क्यों नहीं जा पाए। हम डाटा नहीं कलेक्ट कर पाए। तुम्हें रोकने का ऑर्डर दिया है? नहीं कर सकता, अभी नहीं। हम उसके बहुत करीब हैं। तुम आर्मी इंटेलिजेंस में थे ना मैं ज्वाइन करने से पहले? 4 साल पाकिस्तान में, फिर भी तुमने ऐसा काम चुना जो तुम्हारे स्किल से मेल नहीं खाता। मुझे लग रहा है मैं इस बार कुछ अलग कर पाऊंगा। इस युद्ध में तुम्हारे जैसे लोग चाहिए सामने, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ही युद्ध जीतते हैं। हम जो कुछ यहां ढूंढने वाले हैं वो सब कुछ बदल के रख देगा। हमें युद्ध की जरूरत नहीं है। देश खत्म हो रहा है, सभी लोग भूखे हैं, मौके की तलाश में हैं। आशा युद्ध उन्हें कारण देगा और अब हमें इसे खत्म करने की जरूरत नहीं है। इस संघर्ष के मामले में हमें रणनीतिक लाभ चाहिए, एक बहुत बड़ा फायदा। हमारा ये नमूना बचा नहीं है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं जीवित नमूना है। इसे टेम्परेट क्लाइमेट की जरूरत है। ये 80 डिग्री के ऊपर खराब हो सकता है। उस पेशेंट की सिचुएशन क्या है?
हमारे डॉक्टर विल्किंस का कहना है कि मिस्टर गुटरेज शायद अब बच नहीं पाएंगे। एक दिन में 23 लोग मारे जा रहे हैं ईरान में। 23। उन्हें खोल दीजिए, मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना है। हे, हम उनकी वाइफ से क्या कहेंगे? तुम कह सकते हो मिस्टर गुटरेज को दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें जानलेवा वायरस से बचाते हुए उनके त्याग ने देश को खतरनाक महामारी से बचाया है। क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, लेटर लिख रहा हूं जनरल कोरोजोन को। किस लिए? एडवांस टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के दिनों में सेना को रेगिस्तान में मरने के लिए भेज रहे हैं और मैं यहां बेरोजगार बैठा हूं। खैर उन्हें छोड़ो, मैं अब भी गन चला सकता हूं। अच्छा, मैं यहां भूख से मरना चाहूंगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, इसका नतीजा हम देख चुके हैं। जो भी सिचुएशन से उसे बचना, उससे भागने का रास्ता देखने का कोई मतलब नहीं है हमारी जिंदगी में। तुम्हें दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। दर्द देखा है? मैं उसे झेल सकता हूं। इनएक्टिव होने का कोई मीनिंग नहीं है। दुनिया वैसे भी नरक की तरफ जा रही है। हमने जो बोया है वही काटेंगे ना। एनिमा क्या? पावर्ड स्टैम्प्स के द्वारा ऑन हो सकते हैं। मजाक नहीं है। तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि 6 में से 1 मिल गया। एक सेकंड। मुझे 10% चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें जॉब चाहिए थी ना? विंच को घुमाओ। हम खींच क्या रहे हैं? मेरी हेल्प करो।
अंदर आओ। यहाँ देख रहे हैं आधा दर्जन चाइनीज और रशियन युद्ध पोतों को लाया गया है पर्शियन गल्फ में। उसे प्रेसिडेंट धमकी का व्यर्थ नाटक बता रहे हैं ईरान पर कब्जा करने वाले गठबंधन बलों के खिलाफ। ये क्या है? प्रेसिडेंट ने जनता से अपील की है कि यदि मैंने आधा सामान बाहर में रख दिया है तो और आधा सामान यहीं पड़ा हुआ है, शासन लागू कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत होगी ना? कर दिया गया है, उम्मीद करते हैं कि माहौल। ये तुम्हारी मॉम का सामान है? हाँ, आप घर पर नहीं थे तो मैंने सोचा कि इस जगह को थोड़ा साफ कर लेती हूँ। ये मुझे बहुत पसंद है। राष्ट्रपति का मानना है चाइनीज और रशियन सेनाओं में अगर युद्ध हो जाएगा तो दोनों ही देशों के नागरिकों को भारी नुकसान पहुँचेगा। जो हमने वर्मोंट में सर्दी में की थी और वो तूफान बिल्कुल हमारे ऊपर से ही गया था। तुम बहुत डर गई थी, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें पकड़ लिया था, याद है उन्होंने क्या कहा था? बुराई ज्यादा समय तक नहीं टिकती। उन्हें भूलने के लिए यह दिखाना जरूरी नहीं कि वो यहां थी ही नहीं। अपग्रेड करवाने की जरूरत है। नहीं जैक, कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पैर दर्द कर रहा है। इंट्यूशन मुझे हमेशा होता है। अपनी गलतियां आपको अलग दिखती हैं, सबके साथ होता है। वैसे तुम्हें उसने कितने पैसे दिए? $40। बस कुछ तो दिया। वो सिर्फ दिखने में ही जॉब है, उसका कोई फायदा नहीं। मुझे समझ में आ गया कि हम किस काम के लिए हैं। उन्हें लगता है सिर्फ एक नी पैड के लिए तुम आधा दाम दोगे। तुम ये अपने लेटर में क्यों नहीं लिखते? अब इसका क्या मतलब है? ओके, क्या तुम तैयार हो? जो अच्छे काम करेगा उसके लिए। कमान चलो चलो, ये तमाशा बंद करो, चलो। दानाशाही नहीं चलेगी, तुम्हारा सिस्टम नहीं, दानाशाही नहीं चलेगी, हमें तुम्हारा सिस्टम नहीं चाहिए। हाँ सर, आप मुझे होशियार लगते हैं, इस पर साइन कीजिए और अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता छोड़ दीजिए। क्या कहते हैं आप? देशद्रोही? क्या बोला? तुम्हारा बोलो, तुम्हारा बोलो, क्या बोला तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बस करो ये सब, यहाँ जो हो रहा उसे समझने की कोशिश करो। उठा के जेल में डाल दूंगा तुझे। Ugh!
सुनो, तुम्हें अपना ये पैर चेक करवा लेना चाहिए। जाओ, जाओ। पापा, पानी लेकर आओ। लाओ एनी, सांस लो, गहरी सांस लो। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। पागल हो गए हैं क्या? ये तो मर जाएगा। नहीं, ये नहीं मरेगा, ये ठीक हो रहा है। ये क्या है? तुम इसका ध्यान रखो। फिक्र मत करना, मैं अभी आया। तो प्लान क्या है? मोमेंट्स ऑर्डर आ गए हैं, फिर में 0800 को रिपोर्ट करना होगा। निराश करने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन हम फिलाडेल्फिया नहीं जा रहे हैं। क्या तुम्हारा मतलब क्या है? अभी दूसरा लैंड हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन हमारा इंटेल थिन है। अगर हम डेप्यूटी एब्सटीन को इन्फॉर्म करें तो डेप्यूटी एब्सटीन आ जाएंगे। मुझे यकीन है वो बहुत खुश होंगे जब हर मरे हुए सैनिक को दफनाने की जरूरत नहीं। एक अंधा देख सकता है और इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? हम नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। दोबारा फोन बहना शुरू हो जाएगा। कोई बात नहीं, आराम करो, ठीक है? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ये सब हो क्या रहा है? इसे यहां से ले जाना होगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। इसे पकड़ो। ये क्या है? ये गर्मी से मर रहे हैं। हमें इसे पास लाना पड़ेगा। वो लेकर आओ। ये क्या हो रहा है? कुछ पूछो मत, बस देखती रहो। ए, डरो मत। देखो, देखा? Oh!
कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। पापा। एनी ये देखो। ये किस लिए? सुरक्षा। सुरक्षा किससे? जिसे हम रोक नहीं सकते। देखो मुझे पता है ये अजीब है, लेकिन तुमने देखा ये क्या कर सकता है, और तुमने भी। ये एक वरदान है। आपको पता भी नहीं कि ये क्या है और ये क्या क्या कर सकता है। तुम्हें मेरा भरोसा करना होगा एनी, सब ठीक हो जाएगा। I promise. हमें एक टन लोहा चाहिए। रेमन ने मुझे इन्वेंटरी दी है, बेकार की नौकरी, लेकिन शिकायत कौन कर रहा है? वो अब बहुत सारी लड़कियों के बीच में है, उसमें से आधे तो मैं पूछता ही नहीं। खैर तुम बताओ, तुम कैसे हो? बताओगे भी? तुम्हें पता है तुम्हें मिक्की के साथ मिलकर स्टॉक ट्रेड करना चाहिए। हाँ, मैं सोचूंगा। पुराने मेटल काम करते हैं, वो यही है। मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे जरूर बस करो। वो जगह एक कब्रिस्तान है, मेरा फोरमैन हो सकता है। थैंक्स। तो तुम्हें ये चाहिए था? हाँ, यही चाहिए था। एनी कौन है? उसे चिंता हो रही है, किसे नहीं होती। नहीं मतलब जेन के जाने के बाद। पता नहीं, वो ठीक है शायद मुझसे ज्यादा। तुम्हें पता है मैं हमेशा से तुम्हें मारना चाहता था। जिस लड़की ने मुझे छोड़ दिया उसे जीतने के लिए मैं मजबूत लाइन बैकर था। तुम हमेशा से लकी थी, याद है ना तुम्हें? Hey, thanks. Hey, तुम्हारी उम्र क्या है? Keep drink. Cheers, मेरे दोस्त। हमें टिटी बार जाना चाहिए था। ये रहा, मिल गया। चलते हैं। ये काफी है क्या? तुम श्योर हो? हाँ, लगता है यहाँ सालों से कोई नहीं आया। सीमेंट मिक्सर को लेकर आते हैं।
क्या मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं शरीफ, यह बस एक प्रोटोकॉल है। स्टेबल लग रहा है। बाकी का कहाँ है? ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। क्या आप सहयोग में भरोसा करते हैं एजेंट स्टॉप? मेरे एक्सपीरियंस में कोई संयोग नहीं हुआ है शरीफ। शायद आप डेविड चैम्बरलेन से बात करना चाहेंगे, वो यही कहा है। उस रात उसी की गाड़ी का एक्सीडेंट यहाँ हुआ था। और थोड़ा अजीब भी है। और उसे बिल्कुल चोट नहीं आई। ये बेमिसाल है। पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या देख रहे हैं। फ्लोरेसेंस बगल में संकरण ने हर जीन के हजारों अलग जेनेटिक तत्व को निश्चित किया है, लेकिन ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में आयोजित नहीं है जैसा हमें समझ आ रहा है। अब तक हम लोगों ने अलग अलग पौधे और जंतुओं के एकाधिक अनुक्रम को अलग किया है, कुछ किस्में इंसानों की नहीं है। हम यहाँ जीव जनन के जीवित नमूनों का सामना कर रहे हैं। विकास? नहीं नहीं, ये विकास से बेहतर है, ये सृजन है। किसने सोचा था वो एक अमीबा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। आप हमेशा कहते थे कि वो चीजें अपनी मर्जी से करते हैं। सच तो ये है कि वो आपके बिना उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और उसके लिए मुझे उनसे नफरत है। मैं उनसे नफरत नहीं करना चाहती। मुझे समझ नहीं आता कि आप उनसे कैसे प्यार करती रहीं। आपको इतनी बार उन्होंने दुख पहुंचाया, फिर भी आई मिस यू सो मच। तुम बहुत पास खड़ी हो। क्या? जब तक तुम खुद को जलाना ना चाहो, शायद तुम एनाबेल हो, स्पेशल एजेंट जूलिस टाइप, नेशनल साइंस एजेंसी। तुम्हारे पापा से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। वो कहाँ है? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस एक प्रोटोकॉल है। तुम्हें मेरे पापा से क्या काम है? हम कुछ ढूंढ रहे हैं और हमें लगता है हमारी मदद तुम्हारे पापा कर पाएंगे। दोस्तों के साथ थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मेरा बर्थडे था, मैं अपनी बेटी के साथ बर्थडे मनाने आया था। मुझे कुछ याद नहीं है, बस आसमान से रोशनी दिखी और मैंने अपना आपा खो दिया। बेहोश होने से पहले क्या हुआ मुझे याद नहीं है। क्या आप कभी किसी डीसी के एयर स्पेस म्यूजियम में गए हैं मिस्टर चैम्बरलेन? नहीं। मेरी माँ हमेशा मुझे वहां ले जाया करती थी और वो मुझे वहां घंटों घुमाती थी। मैंने वहां स्पेस के बारे में और यूनिवर्स, टाइम के बारे में काफी कुछ सीखा।
ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमने बहुत सी चीजें हासिल की हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि हम बहुत ही कम जानते हैं। मुझे हमेशा यह लगता था कि हम कोई ऐसा एविडेंस ढूंढें जो हमसे भी महान हो और वो हमारी मानव जाति को प्रेरणा दे, तब जाके हमारी दुनिया को शांति मिलेगी। अब जो चीज तुम्हें मिली है, इससे वो चमत्कार हो सकता है जिसका लोगों को इंतजार है। मैं ये सब चमत्कार की बातों में यकीन नहीं करता। आपके शरीर में जो किडनी है वो पहले नहीं थी मिस्टर चैम्बरलैन, तो प्लीज झूठ मत बोलिए। ये इंसान उस चीज के कांटेक्ट में आया था जो आपको मिली है। उसने भी यही सोचा था कि वो ठीक कर रहा है। मैंने उसे यही रखा था। मुझे कुछ देर पहले ही पता चला कि वो चीज बिल्कुल भी गर्मी सहन नहीं कर सकती और वो बस पिघल गई। पिघल गई। चीजें मुश्किल हो गई है मिस्टर चैम्बरलैन। क्या जब आपकी वाइफ की मृत्यु हुई, बहुत मुश्किल हो गया था ना? आप उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए थे। I'm sorry, मैं आपकी और हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, आपने हमारी बहुत मदद की है। थैंक यू। एनी, उन्हें पता है वो आपके पास है, वो उसे ढूंढ लेंगे, फिर क्या? वो आपको ले जाएंगे, उस बुजुर्ग की तरह काट देंगे। ऐसा नहीं होगा। वो लोग यहाँ थे, हमारे घर पर। उसने मुझे एक वजह से ढूंढा है। उसने मुझे ढूंढा है। कौन? किसने ढूंढा आपको? हमारी मॉम एनी। उसने मुझे बताया कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, ये आपके दिमाग के साथ खेल रही है, आपको बदल रही है, आपको नहीं, ये गलत है। वो चली गई है पापा, वो हॉस्पिटल बेड पर अकेली थी तब आप उन्हें देखना चाहते थे, लेकिन वो चली गई, अब आप उन्हें वापस नहीं ला सकते। नहीं, मैं उन्हें मुझसे वो लेने नहीं दूंगा। जानते हैं उसने मुझे क्या दिखाया? वो सब दिखाया जो मैं भूलना चाहती थी। पढ़ने से पहले उन्होंने पूछा था कि आप उन्हें देखने कब आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं आए। आप नहीं आए पापा। एनी, हे मिकी, मुझे एक हेल्प चाहिए।
वो बस गोल गोल घुमा रहा है। उसे लेके आओ। कैसे हो? सूट अच्छा है? तुम कहना चाहते हो वो भाग गया? अभी के लिए बेटी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस से हर दिन करीब 35 सोल्जर्स बाहर जा रहे हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट मैथ्यू ने प्रेसिडेंट को बताया कि यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो ये क्या है? कोई भी नहीं रुक पाएगा। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सभी सोल्जर्स रशिया और चाइना की तरफ वो फिर से हाथ मिलाएंगे, हंसी मजाक करेंगे और बच्चों को मारना शुरू कर देंगे। उन्नति जारी है। रोमन तुम ठीक हो ना? प्रेसिडेंट और जनरल कोराजन से मिलने आए हैं दूसरे आंदोलन को रोकने के लिए। ये बेवकूफ लोग मेरा रद्दी माल लेके क्यों जा रहे हैं? कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें, और वो ट्रक कहाँ है जिसकी चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है? क्या क्या ये कोई अंदर का काम है? अंदर का काम? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे तो तुम्हारे दोस्त चैम्बरलेन का लगता है। डेव, मजाक मत करो मेरे साथ। जाके मेरा ट्रक लेके आओ। तुम ठीक हो? यहां देखो, समझ नहीं आया कहाँ जाऊं। वो बहुत बीमार थी, उनसे जो हो पाया उन्होंने किया, खुद का एक पार्ट भी दे दिया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी और वो सिर्फ काम करते रहे। उन ट्रीटमेंट्स के पैसे देने के लिए जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, मुझे पता है उन्हें लगता है वो ये मेरे लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका कारण नहीं बन सकती। उन्हें कुछ हो गया तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ठीक है? तुम्हारे पापा के पास मैं लेकर जाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें किसी और से मिलना होगा। जिम, मैं एक दोस्त को लेकर आया हूं। ये एनाबेल है। यहां जो टी बोन्स सर्व कर रहे हैं वो चाइना से लाए गए हैं। भरोसा हो रहा है? तो फिर हमारा मीट कहां है अगर हम चाइना की खाएंगे तो?
मुझे एक रास्ता मिला है चीजें सही करने के लिए। ठीक हो जाएगा सब कुछ। मुझे तुम्हारे एक और हाथ और पैर नहीं चाहिए, मुझे कहीं नहीं जाना है जैक। सुनो मेरी बात तो सुनो। ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया है। अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बेहतर बना सकता हूं। शायद फिर कभी। सेल्टिक आज रात बैल को खिला रहे हैं, ज्यादा खेल नहीं बचा है, किसे पता दूसरा सीजन होगा या नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगा और तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। ओके, टोनी, हम यहां खेलते थे, तुमने रोमन का ट्रक चुराया, वो भी इसके लिए। क्या है ये? तुम्हें सब समझ आ जाएगा। समझ आ जाएगा इतना कुछ करने के बाद? मेरे पास यही एक रास्ता था और मैं। बकवास मत करो। मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं डेव, मैं तेरे लिए जिल्लत सहन नहीं करूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी कीमत पर जिल्लत सहन नहीं करूं। हाँ पुलिस, टोनी, हमने ये आखिरी बार कब किया था? थैंक यू डेविड, 2 साल पहले वो मेरा आखिरी बार था जब मैंने ये किया। तुम बहुत सुंदर हो। वो कहाँ है डेविड? उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। भरोसा है उसे? नहीं, नहीं। मैंने
मैंने बहुत गलत किया है, मैं ये डिजर्व नहीं करता। जानती हूँ ये कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये अब कंफर्म हो चुका है कि बरगाम एयरबेस यूएस मिलिट्री प्राइमरी मचान स्थल ऑपरेशन टर्मिनस के लिए बड़े रेंज WMD रशियन मूल के द्वारा आक्रमण किया गया। हमें अपुष्ट रिपोर्ट मिली है कि ये असल में परमाणु मिसाइल है। जीवित बचे लोगों की खोज शुरू की। मुझे पता चला है तुम युद्ध में घायल हो गए थे। अस्थिरता को देखते हुए तुम्हारा घुटनों के नीचे से बाया पैर कट गया था। एरिया से दूर रहे। पेंटागन की रिपोर्ट में हम अभी डेफकॉन 1 परमाणु प्रतिशोध में है जो रशिया के। देखकर लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने ठीक कहा ना? जा रहा है कि इसके ऊपर बहुत ही जल्दी काबू पा लिया जाएगा। हम लोग जो कर सकते हैं उसके बारे में सोचो। रिपोर्ट मिली है उसमें ये बताया गया है कि उनका एक हम लोगों को बहुत तेजी से ठीक कर सकते हैं। रशिया हमारे पास इस युद्ध को रोकने का मौका है। तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? दोनों ही देशों में भारी तबाही हुई है। देश की जनता के लिए इसका सामना करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है कि सरकार इस युद्ध को रोकने के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालेगी। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है पर अब तक कोई। तुम्हें मुझे बताना होगा वो कहाँ है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएस से हर दिन वो उन्हें जहाँ भी लेकर गए होंगे वो जगह बहुत दूर है। अच्छा है। यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो शायद यहाँ पे फिर कोई भी नहीं रुक पाएगा और वो सभी सोल्जर्स रशिया और चाइना की तरफ बढ़ रहे हैं। यूएस सेना ने वो कहाँ है? मैंने तुम्हें मौका दिया था। घुटनों पर बैठो। लगता है बांध में कोई है। वो यहां है, पकड़ो उसे। मिस्टर चैम्बरलेन, एनी चलो यहां से। हम इसे यहां नहीं छोड़ेंगे। चाबी। पीछे मुड़ो, आराम से। अब क्या? चलो एनी, हमें यहां से निकलना चलते हैं। जल्दी गन दो मुझे। मुझे गन दो। Ready!
प्लीज खुद ही रखो। कोई बात नहीं यानी। ठीक है पापा, मैं ठीक हूँ। ये चलाओ। वो लोग शहर की तरफ जा रहे हैं। ये सही नहीं है। हम परमाणु युद्ध के कगार पे हैं। तुम्हें ये समझना होगा। शायद उसे वॉर जीतने के लिए ना भेजा गया। तुम गाड़ी चलाओ। सुना तुमने? बस तुम गाड़ी चलाओ। उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा इंतजार कर रही है। एनी, मैंने ये तुम्हारे लिए किया है। वो लोग आ गए हैं। I'm sorry, Annie. नीचे रखो, तुम हम सबको मरवाओगे। तुम किसी भी तरह की बेवकूफी नहीं करोगे। उसे बुझा दो। नहीं, मुझे इसे खत्म करना होगा। उसे तुम बुझा दो। पापा, पापा! नहीं, हट जाओ, हट जाओ! नहीं! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बेवकूफ कहीं के। No.
जैक तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। क्या तुम रख पाओगे? अंदर जाओ जैक, अंदर जाओ। पापा, I'm sorry, मैं नहीं जा सकता। कहाँ पापा? मेरी माँ ने कहा था बुराई ज्यादा देर तक नहीं टिकती।
Seem to have grown eyes of their own.